If two vertices of a parallelogram are 3, 2, minus 1, 0, and its diagonal meets at 2, -5, find the other two vertices of the parallelogram. अब पहले तो पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं. A 3, 2. अब हमें नहीं पता है कि ये वर्टेक्स जो है वो ऑपोजिट है या बगल वाला, क्योंकि ना ही ऑपोजिट दिया हुआ है और ना ही एडजेसेंट दिया हुआ. तो पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट है या नहीं. मान लेते हैं अगर अपोजिट है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए. ये तो पक्की बात है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो मिड पॉइंट दोनों ही डायगोनल्स का 2, -5 होगा. जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है वो ही दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा. तो अब ये चेक करते हैं कि मिड पॉइंट है कि नहीं. इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. 3 ± 1/2, 2 ± 0/2, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 2, -5. देयरफोर intersection of 3, 2, intersection of diagonals is not the midpoint of (3, 2) and (-1, 0). So 3, 2) and (-1, 0) are adjacent points. तो भाई अब adjacent है तो इसको लिख लिया (-1, 0). अब इसको पॉइंट ए मान लिया तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया. अब अदर टू वर्टिसेस जो हमें कैलकुलेट करने हैं वो ये दोनों हैं. इनका नाम दे दीजिए (a, b), इनका नाम दे दीजिए (p, q). अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. बहुत ही आसान है. इन दोनों का मिड पॉइंट 2, -5 है. इसका नाम दे देते हैं O. O is the midpoint of AC. इसका मतलब क्या हुआ? 2 = 3 + (a/2) and (-5) = 2 + (b/2). तो (a = 1) और (-10). (b = -12). तो एक पॉइंट तो आ गया. पॉइंट सी इज ओ इज 2, -5. पॉइंट सी इज 1, -12. तो एक तो हम लोगों ने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया पैरेललोग्राम का, उसी तरह दूसरा भी करते हैं. फिर से लिखेंगे O is the midpoint of BD. फिर हो जाएगा देखिए 2 = (÷2) और (-5) = (÷2). अब देखिए इधर के हिसाब से देखते हैं (-1 + p) और (q + 0). तो कितना हो गया 4 - 4 यहां पे आ जाएगा (-1 + p, p = 5) और यहां पे कितना है (-10) q = -10.
पॉइंट डी इज 5, -10। चलो भाई ये भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने दोनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए, ये दोनों हमारे आंसर है। सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IIT।